हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है संडे और कल है मंडे। मंडे है विच इक्वल्स टू मुझे ट्यूशन जाना पड़ेगा। स्कूल के तो छुट्टी एक दिन और वो लोग एक्सटेंड कर दिए और उनको लगता है एक दिन में गर्मी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब अभी मैंने पीछे भी देख सकते हो बहुत जोरों की धूप हो रही है बाहर। डांस क्लास मेरा 10 बजे है तो मैं खाऊंगी और रेडी होके डांस क्लास के लिए निकलूंगी। आज का आप लोगों को ब्रेकफास्ट दिखा देते हैं और यहाँ पीछे पापा बैठे हैं जैसे करके पता नहीं क्या सोच रहे। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट जो कि है इडली और चटनी। मुझे ये वाला चटनी में ना वो सरसों पसंद नहीं है, इसलिए मम्मी ने मेरे वाले चटनी में सरसों नहीं दिया। और यहाँ है रेड वाला चटनी, टमाटो चटनी और ये रहा प्लेन वाइट चटनी और उसके साथ टेस्टी टेस्टी स्पंजी स्पंजी इडली जो मैं अभी खाने वाली हूँ। ऑल रेडी फॉर माई डांस क्लास? नो, ऑल रेडी तो नहीं, बस आउटफिट पहनू, बाल थोड़ा सा बनाना बाकी है। इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग और ऑलमोस्ट इवनिंग नहीं इवनिंग मैं अभी जाने, मेरी जो दीदी है कजिन जिनके बारे में बोल रही थी वो आ चुकी हैं, वो अभी फिलहाल रेस्ट कर रही हैं और ये बोले दूध लाने के लिए क्योंकि हमारे घर में सही टाइम पर दूध खत्म हो जाता है। ऑल्सो मेरा मुंह माइंड मत करना, पानी लगा हुआ है। ऑल्सो मुझे इवनिंग स्नैक्स के लिए बाहर से कुछ खाने का मन कर रहा है तो नहीं, अभी तक तो मोमो वाला दुकान खुला नहीं होगा या फिर खुला होगा, आई डोंट नो। बाय। हेलो, मैं दूध लेकर आ गई। उसके बाद मैं दीदी के साथ गई थी। दीदी को वो अपने एनसीसी के लिए, वो अपना एनसीसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लिए उनके समर वेकेशंस के लिए 10 दिन का कैंप है तो वो कल चली ही जाएंगी, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं उनके साथ गई थी और उनको चाहिए था ट्रैक पैंट और एक टी शर्ट, लेकिन उन दोनों नहीं मिला तो इसलिए हम लोग गए थे और कुछ मिला नहीं। हम लोग बस मीटो भी घूम के आए और चाट खाए जो कि बहुत टेस्टी था, प्रीटी टेस्टी, नॉट गोना लाई एक्चुअली। और मैंने मेरा डिनर भी कर लिया है एंड मैंने कुछ नहीं दिखाया आज क्योंकि दीदी आई थी और मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, बट अफसोस मैं उनके साथ शॉर्ट नहीं बनाई हूँ और वो कैमरा के सामने आने के लिए थोड़ी सी शाय हैं, इसलिए दीदी कैमरा के सामने नहीं आने वाली। एनीवे कल से है मेरा ट्यूशन, लेकिन मैंने आज भी मेरा मैथ का होमवर्क नहीं खत्म किया। जैसे ही मैं बैठी एक क्वेश्चन देखो वो मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है क्वेश्चन गलत है या समथिंग, बट आई डोंट नो, जस्ट मुझे पागल मत बुलाना कोई, ठीक है? मुझे नहीं पता मैं कल करूँगी। मैं देखती हूँ एक क्वेश्चन में मेरा दिमाग खराब हो जाता ना, मुझे और वो करने का मन नहीं करता, मैंने बंद करके रख दिया। आज एक वीडियो भी एडिट करने वाली हूँ। ये रही, ये रही फेस रिवील गाइस। ये पंजाबी नहीं है, चिंता मत कर रही है, वर्ल्ड बोली है, दिखती वैसी है, क्या करे, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। आपका फेस रिवील हो गया। हाँ। ये देखो गौर से देखिए। हाँ? तो कुछ ज्यादा ही बुकमार्क्स हो गई है तो इससे हम लोग कुछ बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बिकॉज आई एम टू आलसी। आप लोगों को पता है मैं कितनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी आलसी मैं हूँ और यहाँ मैंने दीदी का ईयर पॉड्स चुरा लिया बोट का, इसमें लाइट जलता है, काफी प्यारा है। हाँ, लाइट मेरे पॉकेट में कुछ झनझन कर, आई फाउंड पैसा, पैसा गाइस। मैं ऐसे एक्टिंग क्यों करी हूँ जैसे मैंने कभी पैसा नहीं देखा? मैं मेरे पॉकेट में जो मुझे पैसा मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है, उसको मैं मेरी ट्यूशन बैग के अंदर रखने वाली हूँ। राहू तो ये मैं मेरे पिगी बैंक के अंदर भी डाल सकती हूँ, लेकिन ट्यूशन में मैं टॉफी खाऊंगी तो इसलिए। हेलो मेलो एवरीबॉडी, आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे कि अपना जर्नल डायरी फिर से देखो। फिलहाल अभी के लिए मैंने पिछले एक महीने से कुछ ज़्यादा कुछ नए जर्नल्स नहीं किए पर की थी तो चलो मैं, ये तो पहले पॉपिट है जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोग बहुत बार देख चुके होंगे, आई डोंट नो आप लोगों को क्या मज़ा आता है ये देखने का, बट फिर भी मैं दिखा दूँगी। ये था मेरा 10 रुपये, मुझे आजकल बहुत 10 रुपये के नोट मिल रही है, अभी मैं मेरे ट्यूशन बैग के अंदर रखूँगी 10 रुपये अचानक मिल गया। तो ये मेरा फर्स्ट जर्नल,
ये रेनबो जो ना ना लेने, इसमें मैंने एन नहीं लिखा था, रेबो लिख दिया था मैंने गलती से, सॉरी। और उसके बाद है ये मेरा एक और प्रॉपर वाला जर्नल, इसको मैंने नहीं फाड़ा, ऐसे ही रखी हूँ मैं। उसके बाद ये मैंने घर में किया था, ये मैंने स्कूल में किया था, मैं जब 6th क्लास में थी, ऐसे ही स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में एक्टिविटी पीरियड था, मुझे याद है अच्छे से। आई पर्पल ये वाला भी आई थिंक मैंने स्कूल में ही किया था, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। ये वाला साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज, पता नहीं मैंने क्यों किया था। और ये है डूडल्स, ये भी मैंने घर में किया था पेंसिल के छिलके से। ये भी है कुछ रैंडम चीज़ें, रैंडम जब मुझे मेरा ब्रश पेन मिला था तभी मैंने ये सब बनाया था। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, ये वाला तो कलर टेस्टिंग है, इसके बाद वाला मेरा बहुत फेवरेट है। मैंने इसमें मेरे फोटो दिया ट्रस्ट लाइफ, ये आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था, लाइफ इज एन आर्ट ऑफ अ ड्राइंग विदाउट एन इरेजर सो एन्जॉय एवरी सिंगल मोमेंट, आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, आई एम सॉरी। और ये था दिवाली के टाइम पे मैंने किया था, जो इतना अच्छा कुछ खास हुआ है नहीं। ये मेरे क्लासमेट्स का लिखा था, वो भी आधा अधूरा। स्पर्कल, रैंडम डूडल्स। और ये मैंने एनुअल फंक्शन के टाइम में लिखा था, इट्स करंटली विंटर टाइम इन ओरिशा एंड आई एम जर्नलिंग एट स्कूल। मैं लिख रही थी ये कुछ भी करके। ये वाला भी मुझे बहुत पसंद है, 3D वाला फ्लावर, क्यूट लाइंस टू कीप यू गोइंग, स्काई पेंटिंग्स, फेवरेट सॉन्ग्स, इंडिपेंडेंस डे, नहीं रिपब्लिक डे का, इंडिपेंडेंस डे कब से आ गया। ये है एक और नाइट चेंजेस सॉन्ग, रियलिटी हर्ट्स ओनली सम पीपल के अंडर, मैं ये क्यों की थी, बस मैं की हूँ तो रखी हूँ। ये वाला भी मुझे बहुत एस्थेटिक लगता है, एस्थेटिक क्या बोलते हैं, एस्थेटिक एस्मोस्टिक। और ये है सिग्नेचर्स मेरे क्लासमेट्स का, अभी मैं उनकी प्रॉपर्टी चुराने वाला हूँ। और ये हमारी क्लास टीचर ने लिखा था, क्लासेस में उनको बहुत मिस करती, वो अभी भी स्कूल में है लेकिन हमारे क्लास टीचर नहीं है। ये था मेरा मूड जर्नल, सॉरी मूड ट्रैकर, ये मेरा फेवरेट प्लेलिस्ट, मतलब फेवरेट गाने। वाओ, रोज बाय रितवेज, पसूरी, शेप ऑफ यू, ढिंडोरा, हार्लीज इन हवाई, एक्सक्यूजेस, लिगी, बरसो, रिवर, डैंडेलियंस, क्या बोलते हैं, डैंडेलियंस, नाइट चेंजेस, अनस्टॉपेबल, और फेवरेट वाले वर्थ इट एंड बरसो। क्या आई लाइक दिस सॉन्ग्स, अभी चेंज हो गया। ये है ब्लैक पिंक का, मैंने BTS का नहीं किया, फोटो लाना भूल गई थी, बट दिस वन इज प्रिटी नाइस, दीज एस्थेटिक्स, डार्क बोल। ये मैंने माय लाइफ स्टोरी, ये है मेरी फ्रेंड श्रेयांशी के साथ की, तो वेल हाँ फ्रेंड। ये है अबाउट मी, पोलरॉइड्स, मैं और परी, यूनिकॉर्न वाला परी ने किया था, ये वाला भी परी ने बहुत अच्छे तरीके से किया था, ये वाला मुझे बहुत पसंद है, अप्रैल का था लेकिन। लेट्स फ्लेमिंगो, ये भी परी ने किया था। I just wanted you to know that I'll never care how far you push me away, because when I told you that I would stay, I meant it. You're a little lost and a little damaged, but you're not hopeless, and I know who you are, and I love who you are, and that's why I'll stay with you, so you learn to love yourself too. ये मैंने लिखा था, ये आधा किया, मैंने इधर कुछ चिपकाने के लिए सोचा था लेकिन नहीं चिपका पाई। फूड डूडलिंग जो मैंने रिसेंटली किया था, कुछ खास अच्छा नहीं था समर वेकेशन के टाइम। यूजुअली मैं ना इस समर वेकेशन ज़्यादा जर्नलिंग नहीं की हूँ, सो या सो एनी वे आई विल एंड टूडेज व्लॉग। अगर आप सभी को व्लॉग पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आप लोगों को मिलने वाली हूँ कल, और अभी हमारे घर में फिलहाल लाइन नहीं है, ये वाला जो है वो इन्वर्टर से चल रहा है, मैं चलती हूँ, बाय एवरीबॉडी।